यमुनानगर में एक बार फिर से लुटेरे ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो लुटेरों ने एक फैक्ट्री मालिक के गाड़ी में बैठते ही उससे रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। जब फैक्ट्री मालिक ने लुटेरों का विरोध किया तो बदमाशों ने दो फायर कर दिए। हालांकि लुटेरे की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इस बार भी पुलिस महज जाँच का आश्वासन दे रही है। प्री प्लान थे वो लोग, भी मैं जैसे फैक्ट्री से निकला हूं, भी मैंने अपना बैग जो है पिछली वाली सीट पे आगे की बजाय पिछली वाली सीट पे रखा है मैंने, वो पीछे ही उन्होंने कनपट्टी में मेरी रिवॉल्वर रख दी है, तो उसके हाथ हवाई हुई मेरी, तो उसके बाद में उसने दो तीन बार गेट खोलने की कोशिश, फिर मैंने बंद किया, कार का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर उसने एकदम रिवॉल्वर एकदम आमने सामने तान दी मेरे पे और फायर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर कोशिश की उसको पकड़ने की, फिर वो इतने में बैग लेके भाग गया, मैं उसकी मोटरसाइकिल के पीछे भाग गया। यंग सा लड़का था, मेरे का 24-25 साल की उम्र होगी, क्लीन शेव लड़का था, गोरा चिट्टा लंबा। अमाउंट कितना था? 2 लाख के करीब होगा अप्रॉक्सीमेटली, है बाकी 10-20 हज़ार ऊपर नीचे। कितने बंदे थे? 2 लड़के थे बाइक पे। अभी हम पहुँचे हैं सूचना मिलने पर, यहाँ गणेश धर्मकांटा है, यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पे लूट की है, कैमरे में वारदात कैद हुई है। अभी देख रहे हैं कैमरे को चेक करके और जो कार्रवाई बनेगी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दो लाख की बताए इन्होंने। कुछ फायरिंग करूंगी अभी बता रहे हैं कि फायरिंग हुई है, कैमरे में भी सारा इंसिडेंट कैद है, कैमरे को एनालिसिस करके और यहाँ से सबूत जुटा के, और हमने अपनी टीम में जगह जगह जो है ना इस टाइम भेज भी दिए, अभी जांच कर रहे हैं, अभी बयान लेके जो दर्ज करके जो आवश्यक कार्रवाई बनी कर रहे हैं।